सबसे पहले लाइव प्रूफ देख लो भाई, चैनल की अर्निंग कितनी है, 5.1K से लेकर 81.4K तक, यानी $5,000 से लेकर $81,000 तक की यहाँ पे एस्टिमेट अर्निंग हो जाती है मंथली। और यहाँ पे आपकी साल की अर्निंग तो आप देख ही सकते हैं, आपके होश उड़ जाएंगे, डॉलर कितना महंगा है आप लोग जानते हैं। और ये एक कॉपी पेस्ट चैनल की अर्निंग है। अगर आप भी सिर्फ 10 मिनट दिन के दे सकते हैं, 24 घंटे में से सिर्फ 10 मिनट आपको काम करना है और आप भी यहां से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। ये जो आइडिया मैं आपके लिए लेके आई हूं, बहुत यूनिक आइडिया है, और अगर आप इस आइडिया को अपनाते हैं तो आप यहां से लाखों रुपए की अर्निंग महीने में कर सकते हैं। आज मैं आपके लिए कौन सा आइडिया लेके आई हूं वो चीज समझ लीजिए भाई आप। आज हम करने वाले हैं बच्चों को टारगेट। यस, आपको पता होगा कि ऑडियंस जो है यहां पे यूट्यूब पे 80% जो ऑडियंस है वो बच्चे हैं, यानी जितनी भी मम्मियां फोन यूज करती हैं उनका फोन मम्मियां कम और बच्चे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो उन्हीं चीजों का आपको फायदा उठाना है, उसी ऑडियंस को आपको टारगेट करना है। तो आपको कैसे करना है, सिर्फ 10 मिनट का आपको काम करना है। आपको फेस की जरूरत नहीं है, आप फेस नहीं दिखा सकते तो डोंट वरी, आप बिना फेस के इस वीडियो को बना सकते हैं। और सिर्फ 10 मिनट का समय लगेगा, 10 मिनट आपको निकालने हैं और आप वीडियो यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। आप जेंट्स हो, वुमेन्स हो, बच्चे हो, सभी चैनल को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं कौन सा चैनल बता रही हूं आपको, बहुत ईजी है वो चैनल को क्रिएट करना। यहां से मैं यूट्यूब पर चलती हूं, यहां पर आपको लाइव दिखा रही हूं कि किस चैनल की मैं बात कर रही हूं। यहां पे आपको सर्च करना है किड्स व्हीकल वीडियो, किड्स व्हीकल वीडियो आपको यहां पे सर्च करना है। उसके बाद देखिए यहां पे आपको आपको पहला ही चैनल मिल जाएगा 2.5 मिलियन व्यूज, 25 मिलियन व्यूज देखिए यहां पे, 21.1 मिलियन व्यूज। यहां देखिए 187 मिलियन व्यूज, किसी पे देखा है आपने, बहुत तगड़े व्यूज आते हैं इन पे। यहां पे अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हो तो वहां भी बहुत ज्यादा लोग जुड़े रहते हैं, बहुत सारे बच्चे जुड़े रहते हैं आपके लाइव स्ट्रीमिंग। यहां देखिए हम नीचे चलते हैं, यहां पे देखिए 487 मिलियन व्यूज इन वीडियोस पे देखिए, और मेहनत कुछ भी नहीं लगती है यहाँ पे आपकी। देखिए यहाँ पे 4.4 मिलियन व्यूज, यहाँ पे जो कंटेंट क्रिएट किया जाता है उन पर मिलियंस में व्यूज आते हैं, मिलियंस में। और वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, अगर आप एक बच्चे भी हैं ना, अगर आप एक हाउस वाइफ हैं या फिर आप वर्किंग भी है, दो भी चैनल को क्रिएट कर सकते हैं। और कौन कहता है कि यहाँ से अर्निंग नहीं होती, किड्स कॉन्टेंट से अर्निंग नहीं होती, ये पागल है क्या? जो लोग काम कर रहे हैं अर्निंग होती है तभी यहाँ पे काम किया जा रहा है। चलो आपके सामने मैं कोई भी यहाँ पे चैनल को ओपन कर लेती हूँ, मान लीजिए मैंने इसी चैनल को यहाँ से ओपन कर लिया। देखिए आपको आपके सामने देखिए बी बार टॉयज आपको दिख रहा होगा, इसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं, 505 वीडियो इसने अपलोड किया। यहाँ पे देखिए 9 घंटे पहले एक वीडियो डाला इसने, यहाँ पे देखिए एक दिन पहले और दो दिन पहले जो डाला, सुबह 1.2 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। ये देखिए कितने ज़्यादा व्यूज यहाँ पे आ रहे हैं। चलो मैं एक चैनल और आपको दिखा देती हूँ, आप यहाँ से कोई भी चैनल को ओपन कर लीजिए, जो मर्जी आपको चैनल मिल जाए उसको ओपन करके देखिएगा, सब में मिलियंस में व्यूज पाएंगे। तो आप लोग कॉपी पेस्ट करते हैं लेकिन आप पे बुद्धि नहीं है, अगर आपके अकल का इस्तेमाल आप कर लें तो आप क्या नहीं कर सकते। लेकिन आप लोगों को तो उसी घिसे पिटे पुराने कॉन्टेंट पर काम करना ना, कुछ नया ट्राई नहीं करना है आपको। ये देखिए अभी मैं आपको, चलो कोई भी यहाँ से चैनल को हम ओपन कर लेते हैं, देख लेते हैं कोई भी चैनल जो मुझे मिलता है। चलो यहाँ से मैं जो चैनल है इसको ओपन कर लेती हूँ, ठीक है, इसको चैनल को मैंने ओपन कर लिया, आपके सामने ही यहाँ पे अर्निंग दिखाऊंगी मैं। इस चैनल का नाम है टॉय फैक्ट्री, यहाँ पे देखिए 6 मिलियन इनके सब्सक्राइबर होने वाले हैं। अभी आपके वीडियोस दिखा देती हूँ मैं, यहाँ पे देखिए एक दिन पहले वीडियो डाली थी उन्होंने, 33K व्यूज़ यहाँ पे आ चुके हैं। 8 दिन पहले डाली थी यहाँ पे, 16K व्यूज़ आ चुके हैं। और जो 2 हफ्ते पहले वीडियो डाली थी उस पर देखिए 2.1 मिलियन व्यूज़, यानी मिलियंस व्यूज़ आते हैं। और पॉपुलर वीडियो देखते हैं इनकी, पॉपुलर वीडियो देखिए आपके सामने देखिए 551 मिलियन व्यूज। ओ माय गॉड, इतना व्यूज किसी भी चैनल पे नहीं आता है जितना किड्स कंटेंट पे आता है। अब आप सोचेंगे कि क्या इस चैनल पे अर्निंग होती है, तो चलिए आपको मैं लाइव प्रूफ दिखा देती हूँ कौन चैनल था भाई। चलो इस चैनल को हम यहाँ से ओपन करते हैं, इसका यहाँ से एक बार लिंक को कॉपी करते हैं और सोशल ब्लेड पे लेके चलती हूँ मैं आपको। आपको पता होगा सोशल ब्लेड जो होता है वहाँ से आप किसी भी यूट्यूब की अर्निंग देख सकते हैं। तो यहाँ से चलते हैं हम अपने क्रोम ब्राउजर पे, और ये देखिए आपके सामने जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था वो इसी चैनल की अर्निंग है। देखिए टॉय फैक्ट्री आपको दिख रहा होगा, इसी चैनल की अर्निंग मैंने आपको शो की थी, आपके सामने लाइव प्रूफ है, ये अच्छी खासी लाखों रुपए में ये अर्निंग कर रहा है। ये देखिए अब आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि ऐसा भी होता है। यहाँ पे देखिए हम, चलो 5.1 की है, यानी 5,000.1 जो बना रहा है ये चैनल, आप चलिए $5,000 को हम लेके चलते हैं, इंडियन रुपीस में हमको कन्वर्ट करेंगे। और आपको पता होगा जो डॉलर है अभी वो 82.25 रुपीस है इंडियन रुपीस में, देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है हमारा। अब मैं आपको लाइव दिखाना चाहूँगी यहाँ पे, अगर हम $5,000 को भी अगर यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, चलो आपके सामने मैं दिखा रही हूँ, ये $5,000 हो गए हमारे कन्वर्ट,
₹80 कर लेते हैं, चलो 82 कर लेते हैं हम, तो यहाँ पे देखिए आपके सामने 410,000 रुपये एक एस्टिमेट अर्निंग है, उससे ज़्यादा भी ये चैनल अर्निंग करता है, तो आप लोग पीछे क्यों हैं भाई? अभी तक लाइव दिखाया है मैंने, वन को तो मैंने जोड़ा भी नहीं है। अगर आप यहाँ पे 80 रुपीज़ भी लेके चलते हैं डॉलर की कीमत, तो भी आप अच्छी खासी अर्निंग यूट्यूब से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप क्यों नहीं करते हैं? चलो भाई, अगर आपको सच में अर्निंग करनी है यहाँ से, इतनी अच्छी खासी अर्निंग आप करना चाहते हैं, तो फटाफट जो मैं कंटेंट आपको बता रही हूँ उसको क्रिएट कीजिए। इस कंटेंट को क्रिएट करने में आपको बहुत मज़ा भी आएगा और आपकी अर्निंग भी अच्छी खासी होगी। अब मैं आपको बताऊंगी आपको कंटेंट कैसे बनाना है। खुद का कंटेंट बनाने वाले हैं आप, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करने वाले हैं, आप यहाँ से खुद का कंटेंट बनाएंगे। एडिटिंग में आपको सिखाऊंगी कि एडिटिंग आपको कैसे करनी है, आपको वॉइस ओवर कैसे करना है, सब चीज़ें आपको पता चलने वाली है। बाकी ध्यान से वीडियो को देखते रहिए, बस स्किप नहीं करना है कहीं पर भी। आप समझ लीजिए आपको जरूरत किस चीज की पड़ेगी। आपने देखा होगा वहां पे कार्टून्स थे, वहां पे कार्स थी, तो ये आपको कहां से मिलेंगी? आपको वीडियो नहीं लेनी है कहीं से, उसके लिए सिंपली आपको प्ले स्टोर पे जाना है और यहां पे आपको सर्च करना है, यहां पे इओन्स कार, इसको आपको सर्च करना है। यहां पे लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको IEOS कार, आपको ये चीज लिख के आप सर्च कर देना है। आपको यहाँ पे मैं एक आपको दिखा रही हूँ एक गेम, उसको आपको डाउनलोड करना है। देखिए इस गेम को आपको डाउनलोड करना है, मैंने इसको गेम को डाउनलोड करके रखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये वाला गेम है जो आपको डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि इसके जो डाउनलोड था वो काफ़ी ज़्यादा है और सभी के मुकाबले में सबसे ज़्यादा डाउनलोड इसी गेम को किया गया है। तो आपको भी गेम की रेटिंग के अनुसार यहाँ से डाउनलोड करना है, क्योंकि उसी के अनुसार आपको आइडिया होगा कि भी लग इस गेम को लोग कितना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अब देखिए आपके सामने ये गेम ओपन हो चुका है, मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर रखा है, आपको भी डाउनलोड कर लेना। छोटा सा ही गेम, ज़्यादा लंबा छोटा गेम नहीं है। अगर आपका कम MB का फ़ोन है, आपका सिंपल फ़ोन है, तो भी ये गेम आपके फ़ोन में बहुत आसानी से चल जाएगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपके चैनल पे। अब आपको क्या करना है, आपको आपके स्क्रीन को रिकॉर्ड करना है। जब भी आप यहाँ पे गेम खेलेंगे तो आपकी स्क्रीन आपको रिकॉर्ड करनी है। अगर आपके फ़ोन में इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, जैसे मेरा फ़ोन जो चल रहा है यहाँ पे, मेरे फ़ोन में इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो आपको यहाँ पर सिंपली सर्च करना है स्क्रीन रिकॉर्डर, और आपको स्क्रीन रिकॉर्डर को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको उसको ऑन करना है और यहाँ से जब आप गेम को प्ले करेंगे तो उसको रिकॉर्ड करना है। आपके सामने ही मैंने अभी इसको डाउनलोड किया है, मैंने इसको ओपन भी नहीं किया है, लाइव आपको ओपन करके दिखाऊंगी, लाइव आपको खेल के दिखाऊंगी किस तरीके से आपको खेलना है, एडिटिंग कैसे करनी है, सब चीज़ें आप समझते चलिए स्टेप बाय स्टेप। तो आपको यहाँ से गेम को ओपन करने से पहले अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर लेना है। चलो आपके सामने मैं इसको प्ले करती हूँ यहाँ से, ठीक है, मैंने इसको यहाँ से ओपन कर लिया है। ये देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके का गेम यहाँ पे ओपन होएगा। ये देखिए आपके सामने गेम ओपन हो रहा है, अभी ये थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लेगा, ठीक है, उसको लोड होने दीजिएगा अच्छे तरीके से। ये देखिए आपके सामने यहाँ पे लोड हो रहा है, यहाँ पे ये सामने आपके लोड हो जाएगा अच्छे तरीके से, इसको लोड होने दीजिए। आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, इसको आपको कर दे टिक, डोंट शो मी, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, काट देते हैं इसको यहाँ से। अभी यहाँ पे आपको स्टार्ट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, बीच में गेम को कैसे खेलना है आप समझ लीजिए, बहुत आसान गेम है, बच्चे भी खेल सकते हैं इस गेम को। इसको आपको यहाँ पे ओपन करना है, यहाँ से ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे देखिए व्हीकल्स आ जाएंगे। आपने उन गेम्स की वीडियोज़ में देखा होगा, वो जो गेम्स की वीडियोज़ हैं वो वीडियोज़ है, बच्चों को टारगेट किया जाता है वहाँ पर, तो ऐसे ही वीडियो आपको वहाँ पर शो होंगी। आप इनमें से कोई भी करेक्टर को चूज़ कर सकते हैं, आप ऐसे गाड़ी ले सकते हैं, आप ऐसे JCB ले सकते हैं, आप ट्रक ले सकते हैं, जो मर्जी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, ये वाला गाड़ी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर, और भी बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, देखिए दिख रहा है ना, जो भी आप अलग अलग यहां पे चूज कर सकते हैं और बहुत सारी वीडियोस को क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आपको लेवल मिलेंगे, लेवल आपको मिलेंगे यहां पे बहुत सारे, और लेवल जितने आप खेलते जाएंगे उतनी आपकी वीडियोस क्रिएट होती जाएंगी, आपका खुद का कंटेंट होगा वो, कहीं से आप कॉपी पेस्ट नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ से सिंपली मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। ये देखिए जो मैंने आप चूज़ किया वो मैंने यहाँ से ओपन कर लिया। ये देखिए मेरे सामने ये ट्रक आ चुका है यहाँ पे। अभी आपको सामने JCB वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है, बीच में दिख रहा है आपको, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देंगे हम तो हमारे सामने ये आ जाएगा, ये भी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, हमें इसको यहाँ से अभी जोड़ना पड़ेगा। ओके देखो टूट गया है ये, वो तोड़ के भाग गया है इसको, तो बच्चे अभी आपको रिकॉर्ड करना चालू कर देना है यहाँ पे, क्योंकि अभी आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो बच्चे इसको बहुत इंटरेस्ट देखते हैं कि इंस्टॉल कैसे करना है हमें, तो अभी हमें इसको अच्छे से इंस्टॉल करेंगे। ये भी आपका गेमिंग का पार्ट है, ठीक है, इसको अच्छे से यहाँ पर हमें अच्छे से एडजस्ट करेंगे, ठीक है, ये हम यहाँ पे इसको अच्छे से एडजस्ट कर देंगे, सब चीज़ों को हम यहाँ से जोड़ने वाले हैं। देखो बच्चे इसको बहुत देख के खुश होने वाले हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत मज़ा आता है इन चीज़ों को देखने में। अब इसको यहाँ पे लगा देते हैं हम, ये मैं भी फर्स्ट टाइम ही खेल रही हूँ भाई, आप लोग भी फर्स्ट टाइम खेलने वाले हैं, तो मैं भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही इसको जोड़ रही हूँ। देखिए मैंने इसको यहाँ पे जोड़ दिया है, अब हम जो नेक्स्ट पार्ट है उसको जोड़ देंगे यहाँ पे। जैसे जैसे आपको लगता है जहाँ जहाँ जो चीज़ जुड़नी चाहिए उसको आपको यहाँ से जोड़ते जाना है।
ये देखिए आपके सामने ही मैंने इसको अच्छे तरीके से जोड़ दिया है, ये देखिए आपके सामने ही मैंने इसको जोड़ दिया, कंप्लीट कर दिया है। तो आपको भी बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर आपको कॉर्नर में दिख रहा होगा आपको यहाँ पे तीर वाला निशान, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए चलना शुरू हो जाएगा, देखिए इसको आपको क्लिक करने रहना है, इसे चलना शुरू हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करते रहना है। देखिए अभी आपके सामने यहाँ पे टास्क आएंगे, आपको यहाँ पे कोई चीज़ को आपको टास्क मिलेगा, आपको वो चीज़ कंप्लीट करनी है, तब तक आप इसको रिकॉर्ड करते रहिए। देखिए अब देखते हैं यहाँ पे मुझे क्या टास्क देने वाला है। अभी यहाँ पे मुझे सफाई वाला टास्क मिल चुका है, तो हमें यहाँ पे जो कचरा है इसको साफ करना है। ये देखिए अभी हम क्या करेंगे, इस कचरे को यहाँ पे डालेंगे। देखिए आपको कचरा उठाना और यहाँ पे डालना है, ऐसे ही आपको रिकॉर्ड करते जाना है पूरे। देखिए अब इससे सफाई करेंगे हम, इसको फिर से पकड़ेंगे और डालेंगे। देखिए आपके सामने दिख रहा ना, बच्चे इसको देख के बहुत मज़ा आता है बच्चों को ये देखने में। देखिए आपको सिंपल यहाँ से, बहुत इजी गेम है ये, कुछ भी नहीं है, और बच्चे इसको देख के इतना खुश होते हैं। देखिए आपने फर्स्ट लेवल को जो कंप्लीट कर लिया। अब फिर से हम देखिए आपको स्टार मिल चुका होगा ऊपर। ऐसे ही आपको जितना मर्जी लंबा आप गेम खेल सकते हैं। यहाँ पे आपको नेक्स्ट टास्क मिलेगा, ऐसे ही आपको यहाँ पे आपको वन स्टार दिख रहा होगा, ऐसे टू स्टार थ्री स्टार तक आपको इसको चलाते जाना है। अब देखिए आपके पास एक नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक और चैलेंज मिलेगा, कितना आसान है। देखिए अभी फिर से आपको सफाई वाला यहाँ पे मिल चुका है, ये देखिए अभी आपको फिर से सफाई करना, फिर से ये आ गया। ऐसे ही आपको यहाँ पे बाई बन बाई आपको गेम खेलना है और इसको गेम को रिकॉर्ड करना है। कितना आसान है यार, देखो कितना इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको फिर से उठाना है और वहाँ पे आपको डाल देना है ट्रक में, आपको कूड़ा डाल देना। ऐसे ही आपको सब चीज़ें यहाँ पे कर लेनी है। उसके बाद जब आपका गेम कंप्लीट हो जाए, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ लाइव करके दोबारा से, ऐसे ही आपको गेम खेलते जाना है और इसको यहाँ पे कंप्लीट कर देना है। देखिए अब आपने फिर से अपना ये वाला स्टेप भी आपने कंप्लीट कर लिया है, देखिए टू स्टार हो चुके हैं आपके। ऐसे आपके पास एक और चैलेंज आएगा, आपको थ्री स्टार को कंप्लीट करना है और फिर उसके बाद आपको गेम को यहाँ से बंद कर देना है, यहाँ पे बाहर आ जाना है। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इस गेम को मैं अभी यहाँ पे ऑफ कर देता। अब आपने गेम को रिकॉर्ड कर लिया है, अब आप गेम से बाहर निकलाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपने जो गेम को रिकॉर्ड किया है उस गेम को यहाँ पे आपको एडिट करना है। किस तरीके से आप करेंगे, उसके लिए आपको काइन मास्टर को ओपन करना है या फिर जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं उस सॉफ्टवेयर को आपको यहाँ पे ऑन कर लेना है। जैसे मैं काइन मास्टर यूज़ करती हूँ, तो मैं काइन मास्टर को यहाँ से ऑन कर लेती हूँ। आपके सामने मैं यहाँ पे ऑन कर रही हूँ, आपको लाइव दिखा रही हूँ मैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पे काम करना है। बिल्कुल ईजी है भाई, कोई भी बड़ी दिक्कत वाली काम नहीं है। यहाँ पे देखिए आपके पास काइन मास्टर ओपन हो चुका है, यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको 16:9 का रेशियो सेलेक्ट करना है। अगर आप एक लॉन्ग वीडियो बनाते हैं तो, अगर आपको शॉर्ट पे काम करना तो आप 9:16 का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं एक लॉन्ग क्रिएटर हूं, मैं आपको लॉन्ग वीडियो बता रही हूं, तो मैं यहां पे 16:9 का यूज कर रही हूं। इस पर आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, आपको वो वाली वीडियो यहां पे लेके आनी है जो आपने रिकॉर्ड की थी। ठीक है, मैं फटाफट से उस वाली वीडियो को यहां पे ले आती हूं। तो देखिए मैं वो वाली वीडियो यहाँ पे लेके आ चुकी हूँ जहाँ मैंने गेम को खेला था। अब मैं आपके सामने ही यहाँ पे देखिए मैंने इसको चला के दिखा रही हूँ आपको। देखिए जब आपने गेम को शुरू किया होगा तो आपके सामने गेम कुछ इस तरीके से चला होगा। देखिए आपका गेम यहाँ पे लोड हुआ होगा और ये गेम ऐसे आपका चला होगा। तो आपको इसको अच्छे तरीके से मैनेज कैसे करना वो चीज़ समझ लीजिए। जो भी फालतू का पार्ट है, जहाँ तक आपका गेम नहीं स्टार्ट हुआ है उस तक का पार्ट आपको डिलीट कर देना। जैसे मेरा गेम जो है यहाँ पे आके शुरू हुआ था, देखिए अभी ये लोडिंग चला हुआ है, फिर बीच में ये ऐड आ गई थी, मतलब बीच में ये स्टिकर आ गया था, उसके बाद ये आपको चूज करना था यहाँ पे आपको। ठीक है, जहाँ पे आपने जैसे आपका जो गेम है वो यहाँ से शुरू हुआ था, ये ट्रक जब चल के आता है, ये देखिए यहाँ से आपका गेम है जो शुरू हुआ था। तो फालतू का पार्ट है जो लेफ्ट साइड का, उसको डिलीट कर देंगे हम, ट्रिम कर देंगे। उसके बाद देखिए अगर आप स्क्रीन को रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपका भी स्क्रीन कुछ इस तरीके से आएगा रिकॉर्ड होके। तो इसको आपको फुल स्क्रीन पे कैसे लेके आना ये समझ लीजिए। अगर आपका सीधा था तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर आपका इस तरीके से आ रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको स्क्रॉल कीजिए नीचे की तरफ, यहाँ पे आपको एक रोटेशन वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, रोटेशन वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से आप इसको रोटेट कर दीजिए। इस तरीके से रोटेट कर देंगे तो देखिए आपके सामने ऐसे स्क्रीन पे आ जाएगा। उसके बाद आपको सिंपल इसको सेलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे खाली जगह दिख रही होगी ऊपर भी और नीचे भी, तो इसको हमें कवर करना है। ऐसे तो गंदा लगेगा, आपका गेम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे पैन एंड जूम का ऑप्शन दिखता है, इस पर आपको क्लिक करना है और इसको दोनों अंगूठों की हेल्प से इसको जूम कर लेना अच्छे तरीके से। यहाँ से आपको जूम करना है इसको अच्छे तरीके से, फुल स्क्रीन पे लेके आना है। ठीक है, आपकी फुल स्क्रीन पे अब आ चुका है। अब दोनों जो आपको इक्वल करना है, जैसे आपका पहला जो यहाँ पे जूम हो चुका है तो आपको नीचे वाले को भी जूम करना है। तो आप कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए आपके पास यहाँ इक्वल वाला यानी बराबर का निशान दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है तो ये आपका बिल्कुल बराबर हो जाएगा, पूरी की पूरी जो आपकी वीडियो है यहाँ पे जूम हो जाएगी। उसके बाद सिंपली आपको देखिए यहाँ पे आपका वीडियो चला के देखिए, यहाँ पे आप यहाँ पे इस तरीके से आए, आपने यहाँ पे चूज किया है इसको, आपको यहाँ पे चूज करना है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, इसमें एक आवाज़ है गेम की, तो वो वाले गेम की आवाज़ आपको यूज़ नहीं करनी है। ये गेम की आवाज़ अगर आप यूज़ करेंगे तो गेम वालों का अधिकार है भाई इस पर, तो वो आपको कॉपीराइट वगैरह दे सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो आपकी आवाज़ है गेम वाली, उसको बंद कर देना है, बिल्कुल बंद कर देना है, उस आवाज़ को आपको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, आपको वो वाला वॉइस यूज़ ही नहीं करनी है, चीज़ समझ लीजिए।
ओके, अब आपका गेम कहाँ से शुरू हो रहा है, मान लीजिए आपका गेम यहाँ से, मान लीजिए मेरा गेम यहाँ पे आया था, उसके बाद इस गाड़ी को इसने तोड़ दिया था, उसके बाद मैंने इसको इंस्टॉल किया था, देखिए उसके बाद जो है हम यहाँ पे गाड़ी को इंस्टॉल कर रहे थे, तो मैंने इस तरीके से इसको रिकॉर्ड किया था। देखिए आपको इंस्टॉलेशन भी करनी है अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से इंस्टॉल करने के बाद देखिए आपका ये गेम यहाँ पे चल रहा है, आपने साफ सफाई वगैरह सब कुछ किया, ये आपका 4 मिनट का गेम रिकॉर्ड हुआ है, मेरा 4 मिनट का गेम रिकॉर्ड हुआ है, आपका 5 मिनट का 10 मिनट का रिकॉर्ड हो सकता है। डोंट वरी, ये चीज़ मत सोचना कि आपका लंबा वीडियो तो कौन देखेगा, बच्चे इन वीडियो को 10 मिनट तक भी देख सकते हैं, आधा घंटा तक भी देख सकते हैं इन वीडियोज़ को, वो देखते रहेंगे देखते रहेंगे, दोबारा भी देखते हैं उस वीडियो को दोबारा रिपीट करके, ठीक है। तो आप जितना मर्जी लंबा वीडियो बनाइए कोई दिक्कत नहीं है, हो सके तो 10 मिनट के आसपास ही वीडियो बनाइएगा स्टार्टिंग में, ज़्यादा लंबा भी बनाना नहीं है आपको, लेकिन 5, 6, 7, 8, 10, 12 मिनट का हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए आपका गेम यहाँ पर रिकॉर्ड हो चुका है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको वॉइस ओवर करना है। यस, अगर आप यहाँ पे वॉइस ओवर कर देते हैं तो आपका चैनल 101% यहाँ पे भाई मोनेटाइज होगा, ये मैं लिख के दे रही हूँ आपको। लेकिन अगर आप सिर्फ म्यूजिक यूज करना चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं उसकी गारंटी नहीं दूंगी बिल्कुल भी। लेकिन अगर आप यहाँ पे वॉइस ओवर करते हैं अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में कीजिए, इंग्लिश में कीजिए, जिस भी लैंग्वेज में आप बनाते हैं उसमें अगर आप वॉइस ओवर करते हैं तो डेफिनेटली 101% आपका चैनल मोनेटाइज होगा, ये मैं लिख के दे सकती हूँ आपको, क्योंकि आपका यह खुद का कंटेंट बनने वाला है। तो वॉइस ओवर आप कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है रिकॉर्ड वाला ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको जो भी आपके सामने यहाँ आता है, देखिए बच्चे कैसे होते हैं, बच्चों को मज़ा आना चाहिए आपकी गेमिंग वाली वीडियो को देखते हुए, आपकी इस वीडियो को देखते हुए मज़ा आना चाहिए, ठीक है। तो आपको बड़े मजे से यहाँ पे वॉइस ओवर करना है, जैसे मैं आपके सामने ही यहाँ पे कुछ करके दिखा देती हूँ आपको एक्टिविटी, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से आपको वीडियो को रिकॉर्ड करना है, वॉइस को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम सिंपली स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, दिख रहा है आपको स्टार्ट वाला ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ऐसे आपको ऐसे करना है, ट्रिटर आ गई बस। देखिए अभी हम क्या करेंगे, अभी हम चूज करने वाले हैं यहाँ पे जिस भी बस को, वाह, तो आपके सामने ही मैं क्या करूँगा, अब इसको देखते हैं कौन मेरे को बना सकता है कि नहीं बना सकता। तो हम शूट करेंगे ये वाला ऑप्शन, आपके सामने दिख रहा होगा, हम यहाँ पे जैसे भी को सिलेक्ट करने वाले हैं, ये देखिए ओहो ये तो टूट गया, अरे बाबा अब हम क्या करेंगे, सोचो सोचो अब हम क्या करने वाले हैं, नहीं भाई आइडिया है, हम इसको जोड़ने वाले हैं अभी। बच्चों बताओ आप इसको जोड़ सकते हो क्या, लाइव बताओ मुझे आप इसको जोड़ सकते हो, देखिए मैं इसको जोड़ के दिखाने वाला हूँ आपको। तो पहले लगाएंगे हम टायर, पहले टायर मैंने लगा दिया, अब आएगा दूसरा टायर, अब हम लेके आएंगे तीसरे वाले टायर को, फिर हम लेके आएंगे चौथे वाले टायर को लेके आएंगे, वाह क्या मजेदार हमारी गाड़ी बनने वाली है। अब हम लगाएंगे इसको ऊपर वाला पार्ट जो होता है, कैसे लगेगा बताइए, ऐसे लगाऊं, ओहो ये तो गलत हो गया, अब कैसे लगा सकता हूँ मैं, ओ माय गॉड ये तो लग ही नहीं रहा है, सोचो सोचो कैसे लगाऊं, ओ गॉड क्या लेके आऊं, कौन सा पार्ट लेके आऊं, नहीं नहीं ये भी नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो कैसे लगाऊं भाई मैं, अरे ये तो लग ही नहीं रहा, मैं तो हार जाऊंगा ऐसे, नहीं नहीं हम हार नहीं मानेंगे, हम इसको लगा देंगे, कैसे लगाएंगे सोचते हैं हम, सोचते हैं इसको मैं ऐसे एडजस्ट करता हूँ, कैसे 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 कैसे, अभी देखना ये आपके सामने ही यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, क्या करें। नहीं नहीं देखियो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक ट्रायल की तरह बता रही हूँ, अगर आप भी इस तरीके से मजे से वॉइस ओवर करते हैं तो आपकी वीडियो पे बहुत अच्छे खासे व्यूज आएंगे और आपका जो है अच्छा खासा चैनल यहाँ पे चलेगा। देखिए मैं आपके सामने मजे मजे में यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, आप इसको और अच्छे तरीके से क्रिएट कर सकते, देखिए मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया है, अब मैं यहाँ पे जो और पार्ट्स इसको भी लगाऊंगी, थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट कीजिए, बच्चों को लगना चाहिए कि नहीं नहीं मैं भी लगा सकता हूँ इसको, मैं भी खेल सकता हूँ, अब ये कैसे करने वाला है, यहाँ पे कैसे करने वाली है, तो आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से पेशेंस के साथ खेलना है और बच्चों को थोड़ा एंटरटेन करना है, उनको मजा आना चाहिए आपकी वीडियो को देखते हुए, फिर आपका पूरा वॉइस ओवर आपको कर लेना है अच्छे तरीके से, आपको वॉइस ओवर करना है। अगर आपको वॉइस ओवर सही लगता है तो उसको रखिएगा वॉइस ओवर को, अगर आपको लगता है कि वॉइस ओवर आपने अच्छे से नहीं किया तो आप डिलीट कर देना है इसको यहाँ से और दोबारा से आपको वॉइस ओवर करना है, लेकिन मैं इसको डिलीट नहीं करने वाली हूँ, मैंने आपके सामने इसको दिखा दिया। अब आपका वॉइस ओवर बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, जैसे मैंने वॉइस ओवर किया, मैं सुना देती हूँ कि किस तरीके से वॉइस ओवर किया है मैंने, ये देखिए एक बार चला के दिखाती हूँ मैं आपको, मैं क्या करूंगा अब इसको देखते हैं कौन मेरे को बना सकता है कि नहीं बना सकता। तो हम शूट करेंगे ये वाला ऑप्शन, आपके सामने दिख रहा होगा, हम यहाँ पे जैसे भी को सिलेक्ट करने वाले हैं, ये देखिए ओहो ये तो टूट गया, रे बाबा अब हम क्या करेंगे, सोचो सोचो अब हम क्या कर। देखिए मैंने थोड़ा सा जल्दी में आपके सामने ही यहाँ पे दिखा दिया है करके, अगर मैं चाहूँ तो इसको और अच्छा वॉइस ओवर कर सकती हूँ, तो आप भी अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वॉइस ओवर करना है। तो वीडियो को एडिट करने के बाद और यहाँ पे आपको वॉइस ओवर करने के बाद आपकी वीडियो रेडी हो चुकी है, अगर आप इतना भी कर लेंगे तो भी आपकी वीडियो चल जाएगी, लेकिन अगर आप इसको और अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप साउंड इफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक को यूज़ कर सकते हैं, आप बहुत सारी क्रिएटिविटी कर सकते हैं अगर आप दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, तो अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और पैसे छापिए भाई। यूट्यूब पर स्ट्रगल बहुत है, यहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप लोग समझते हैं। अब आपको सिंपली आप जो भी आप चाहें आप यूज़ कर सकते हैं, आप साउंड इफेक्ट लगाइए, आप बैकग्राउंड म्यूजिक लगाइए, जैसे चलो कोई भी
एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे आपको बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो यहाँ से हम अपना कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ऐसे ही म्यूजिक को यहाँ पे यूज कर लिया है, ये वाला म्यूजिक मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है, मैं इसको यहाँ पे लगाने वाली हूँ। आप अपने मर्जी से कोई भी यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक को चूज कर सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल के लिए सिर्फ यही वाला बैकग्राउंड यहाँ पे चूज कर लिया है। देखिए अगर आप चाहें तो आपकी मर्जी से आप कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और आपको बैकग्राउंड की जो वॉल्यूम है उसको यहाँ पे आपको 20-30% पे रख देना है, 30% पे रख दीजिएगा, ज़्यादा ऊंचा भी आपको बैकग्राउंड नहीं यूज़ करना है, वरना आपकी वॉइस ओवर की आवाज़ नहीं आएगी। देखिए अब आपको आपका बैकग्राउंड म्यूजिक भी बजता रहेगा, आपको आपका बैकग्राउंड म्यूजिक की वॉल्यूम खुद से चेक करनी पड़ेगी, आपकी आवाज़ क्लियर आनी चाहिए, बैकग्राउंड की म्यूजिक की आवाज़ आपको कम आनी चाहिए, ठीक है। और आपको यहाँ पे म्यूजिक को ऐड कर लेना है, उसके बाद सिंपली आप क्या करेंगे यहाँ पे आपको इसको सेव करना। सेव आप कैसे करेंगे, आप तीर वाला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, तीर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको जो दिख रहा है इमेज साइज उस पर क्लिक करके यहाँ पे सेव एज वीडियो कर देना है। और समझ लीजिए एक और चीज़ को आपको कन्फ्यूज़न होने वाला है कि भाई हम टाइटल क्या लगाएंगे वीडियो का, टैग्स क्या लगाएंगे अपनी वीडियोज़ के, तो डोंट वरी, जो वीडियो आपने देखी है, जिस चैनल से आप इंस्पायर हुए हैं, जिस चैनल से देख के हम वीडियो को क्रिएट कर रहे हैं, उन्हीं चैनल को ध्यान से देखिए, उन्हीं के टाइटल को आप कॉपी कर सकते हैं, उन्हीं के टैग्स को आप कॉपी कर सकते हैं। अगर आपको कॉपी करने नहीं आते तो मुझे बताइएगा, मैं आपको गाइड करूंगी, आपको उन्हीं के कंटेंट को फॉलो करना है, क्योंकि बच्चों का क्या है, बच्चों आपको आगे कहने वाले नहीं है कि आपने उनका कॉन्टेंट कॉपी किया है, नहीं, बच्चों को इतना कोई नॉलेज नहीं होती है, आप बिंदास बनाइए, आपको टाइटल लिखने की जरूरत नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे आपके बहुत सारे टाइटल आपको मिल जाएंगे, वहाँ से कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, टैग को कॉपी कीजिए, टैग को कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए, बहुत इजी हो जाएगा और 10 मिनट का टाइम लगेगा सिर्फ आपको। आप क्रिएट भी कर लोगे वीडियो को, आप खेल भी लोगे और आप एडिट भी कर दोगे, लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं और आपकी अर्निंग अच्छी खासी होगी। तो मुझे बताओ आपको ये कंटेंट कैसा लगा, कंटेंट पसंद आया वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।